ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कुछ अच्छा होने वाला है। जब भी कुछ जीवन में अच्छी चीज़ें होने वाली होती है, उससे पहले ईश्वर हमें कुछ संकेत प्रदान करते हैं। अगर हम उन संकेतों को समझ लेंगे तो जो अच्छा होने वाला है उसे हम अच्छे से इंजॉय भी कर पाएंगे और उसका हमारे जीवन में फ़ायदा भी उठा पाएंगे। जब मैं बहुत सारे जातकों से बात करता हूँ और उन्हें उनके जो ऑब्जर्वेशन होते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि हमने कहाँ गलती की, जब वो चीज़ें कहाँ सही हो सकती थी, कौन सा मौका था या नहीं था, तो उसमें बहुत बड़ी एक बात सामने आई है कि बहुत सारे जातकों को अच्छे वक्त के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे मौके मिले, लेकिन उन्होंने गंवा दिए। तो मैंने ऐसा सोचा कि शायद आपको भी कुछ अच्छे वक्त मिल रहे हो और आप कहीं गंवा ना दें। तो इस वीडियो को पूरा देख कर भगवान कुछ अच्छे संकेत देते हैं कुछ अच्छा होने से पहले, तो उन अच्छे संकेतों को आप पहचाने और पहचानने के बाद अपने जीवन में उनका सकारात्मक फायदा उठाएं। अगर आप फायदा उठा लेंगे तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आप कर सकते हैं। और जितनी परेशानियों के साथ आप जूझ रहे हैं, जिन परेशानियों से आप बहुत परेशान हो रहे हैं, उनसे भी अभी आप बाहर आ सकते हैं। और अगर आप बहुत दिनों से स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर ही रहे हैं, कोई काम आपके बन नहीं रहे, बेचैनी हमेशा बनी रहती है, चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हो रही है और बहुत महीने हफ्तों से परेशान है, तो भी कुछ चीज़ें इस वीडियो में आपके लिए जरूर है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव, जय शिव शंभो। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, जीवन में कोई तकलीफ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू। दोस्तों, सबसे पहला संकेत हमें मिलता है कि अगर आपके मन में आप अनायास खुश होते हैं, खुश होने की कोई वजह नहीं होती, आपको इंट्यूशन जो आपका अंदर मन का होता है बहुत अच्छा फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, कोई वजह नहीं है खुश होने की, लेकिन फिर भी आप अंदर से खुश होते हैं, तो ये सबसे पहला और मुख्य संकेत है दोस्तों कि आने वाले समय में आपके साथ कुछ सकारात्मक चीज़ें होंगी। याद रहे कि इस दरमियान खुशी में कई बार व्यक्ति क्या होता है कि गलत फैसले ले लेता है। याद रहे कि दिमाग को इस दरमियान शांत रखना है, शांत दिमाग सही निर्णय लेगा और आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा होगा कि आपको अच्छे लोगों की संगत मिलेगी। अगर अच्छे लोगों की संगत आपको मिल रही है तो ये दूसरा सबसे बड़ा संकेत है। अच्छे लोगों का मिलना ही समझो शिव की कृपा है। तो अगर अच्छे लोग आपको मिल रहे हैं तो उनका सम्मान करें, उनकी बातों को समझें और वो निस्वार्थ भाव से, अच्छी भावनाओं से अगर आपकी मदद कर रहे हैं तो उन बिना किसी शक के, बिना किसी भी इस तरह की चीज़ें ना करके और उनके जो बताया वो मार्ग उस पर आप चल दें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तीसरा है दोस्तों कि अगर आपके सपने में भगवान भोलेनाथ आते हैं या सपने में आपको कोई पुरातन मंदिर दिखाई देता है तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाली और चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली हैं। चौथा संकेत होता है कि अगर सपने में आंगन में किसी बच्चे की मुस्कुराहट या उस बच्चे को खिलखिलाते हुए देखना या खुश खुश देखना, ये भी एक संकेत है जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है।